बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद, चाइना से आने वाली नई एसी स्टैंडर्ड कोच का रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। ये कोचेस CRRC टैंगशान कंपनी ने पाकिस्तान रेलवे के लिए तैयार की है। ये मनाजर जो आप देख रहे हैं नई कोचेस का, ये कराची से टेस्ट रन के लिए फर्स्ट डे रवाना हुई थी पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसको आजकल कराची से पिशावर तक के स्टेशनों में देखा जा रहा है। कोच रिव्यू से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो आए चलें एसी स्टैंडर्ड कोच का रिव्यू करते हैं। देखें इंटीरियर जो है इसका कितना गुड लुकिंग है, न्यू कलर डिजाइन फैब्रिक है इसलिए ये अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स, एसी स्टैंडर्ड कोच में नई चीज जो देखने में आई है वो ये है कि हर बर्थ के साथ मल्टीपिन पावर प्लग दिए गए हैं, जिसमें USB पोर्ट भी लगे हुए हैं। बर्थ खुलने पे हर पैसेंजर जो है वो अपने पास अपने मोबाइल को चार्ज कर सकता है इजीली। हर बर्थ के साथ पैसेंजर्स के लिए जो है रीडिंग लाइट स्विच दिया गया, जबकि केबल लाइट और स्विच कंट्रोल जो है वो भी दिए गए हैं। अभी चूंकि सब कुछ साफ सुथरा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं इस्तेमाल के बाद इनका क्या हाल होगा। बर्थों की पोजीशन के एतबार से सामने नंबर जो हैं वो इंडोर्स किए गए हैं, जिसमें आप आसानी से ऊपर वाला, दरमियान वाला और नीचे वाला नंबर देख सकते हैं। पता नहीं टेक्निकी एतबार से पाकिस्तान रेलवे को बाद में ऐसी क्या खामी नजर आती है कि वो फिर परमानेंट मार्कर से ब्लैक कलर से अपने नंबर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर पैसेंजर्स आपस में बहस कर रहे होते हैं कि कौन सा नंबर है, परमानेंट मार्कर वाला या सामने जो इंडोर्स हुआ हुआ है। फिलहाल तो मैंने इनके फोम चेक किए तो वो अच्छे नरम लग रहे थे, कुछ माह इस्तेमाल के बाद फिर पता चलेगा कि किस क्वालिटी का फोम इस्तेमाल किया गया। साइड में दिन के टाइम बैठने वाले ये सीट्स हैं और सेंटर में जो पार्ट दिया गया है उसको आप फोल्डिंग उसकी खोल के फिर इसको बर्थ बना सकते हैं। सबसे मुश्किल बर्थ को इन सीटों के ऊपर फोल्ड किया गया। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने पार्लर कार का भी रिव्यू शेयर किया है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, और उम्मीद है ये जो नई कोचेज इसी स्टैंडर्ड और पार्लर की आई हैं ये फर्स्ट टाइम ग्रीन लाइन में यूज की जाएंगी। अभी मौजूदा जो पाकिस्तान रेलवे के किराए हैं एसी स्टैंडर्ड के, वो कराची से रावलपिंडी तक 6,200 रुपये, कराची टू लाहौर 750 रुपये और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक 1,100 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अब जिस तरह कराची टू लाहौर कराकरम के फेयर्स इस जो मैंने आपसे शेयर किए हैं वो 500 रुपये ज्यादा हैं, मगर अब देखें पाकिस्तान रेलवे नई कोचेस के लिए क्या किराए जो हैं वो ग्रीन लाइन में एसी स्टैंडर्ड के मुकर्रर करते हैं। मेन दरवाजा बाहर जाने के लिए खुला हो तो ये देखें फासला जो है कितना कम है, लिहाजा वाशरूम को इस्तेमाल करते वक्त बाहर का गेट बंद कर ले। टॉयलेट्स जो हैं वो कोच के एक साइड में दिए हुए हैं और आपको WC और कमोड की सहूलत मिलेगी। नई फिक्चर्स लगी हुई हैं जो कि अच्छी लग रही हैं। अब देखें इस्तेमाल करने वाले से कैसे इस्तेमाल करते हैं और संभालने वाले किस तरह संभालते हैं। मैंने चूंकि पिछले 35 सालों में कोई मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं देखा है, और ऐसा ना हो खराब होने की सूरत में खुदा ना खास्ता इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो प्लास्टिक की टूटियों से कर दी जाए। व्यूअर्स, न्यू एसी स्टैंडर्ड कोच का ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मजीद वीडियोस आपको मिल सकें।